आप देख रहे नेशन न्यूज। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जगह जगह लगाए सूचना। राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली बरसात के समय में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को कठिनाई का करना पड़ता है सामना, क्योंकि बरसात के समय NH 205 पर पत्थर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। ज्यादातर समय राष्ट्रीय मार्ग रहता है बंद, जिससे आवाजाही भी बंद हो जाती है। यात्रियों को रात भर सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसको लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। पर्यटकों से बात की गई तो उनका कहना है कि बरसात के समय स्वारघाट से नोनी के बीच मार्ग कभी भी बंद हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार पीडब्ल्यूडी विभाग ने जगह जगह सूचना बोर्ड भी लगाए हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना ना हो और यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। इस बात की जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग के जय नंदलाल ने हमें दी। अभी दिक्कत तो ये होती है कि जैसे रास्ता है बहुत खराब आता है, कभी कभी बारिश हो जाती है तो ऊपर से गिरने का चांस रहता है कभी कभी, इसलिए रुकना पड़ता है बस पेड़ के नीचे जैसे, ठीक है। और फिर आधा घंटा या 15-20 मिनट रुकते हैं, फिर चलते हैं हम पनीकर सब जाएंगे। अभी काफ़ी टाइम लगेगा, अभी 2 घंटे से चले हैं हम। आगे से साधन कोई आ जाता है, हमको दिक्कत होती है ना, रुकना पड़ता है हमें। मिट्टी पड़ी है, बारिश होती है तो गीला हो जाता है, गिरने के चांस रहते हैं हमें। डिस्ट्रिक्ट सिरसा दावली से, और हम मणिकर्ण जा रहे हैं जी। और हम रास्ते में रुकते हैं जब कोई, तो हमें बहुत दिक्कत होती है जी। जैसे जहाँ पत्थर पड़े हैं जी, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, PWD वाले हैं वो उठाते नहीं हैं इनको, तो हम जहाँ पे आराम करते हैं रुकना पड़ता है हमारे को, तो बहुत दिक्कत आती है जी हमारे को। और जैसे ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं कई बार, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दादी जहाँ पत्थर गिर रहे हैं वहाँ दोनों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं, जो कर्व सर्प है वहाँ भी बोर्ड लगे हुए हैं। बाकी पत्थर और मिट्टी जो है बरसात की आई, ऊपर से तो हमने स्लिप कुछ उठा रहे हैं, कुछ उठा दिए हैं, जो बाकी बचे उनको हम उठा देंगे। नेशन न्यूज के लिए बिलासपुर से विक्रम ठाकुर के साथ ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट। सुना आपने, क्या हिमाचल सरकार द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण में प्रयासरत विभिन्न श्रेणियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अच्छा, विजेता प्रतिभागी को नगद पुरस्कार व ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। भाई वाह, आइए इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाने का प्रयास करें। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।